कहाँ भाग गया था रे? भाग नहीं थे, भटक गए थे। वो तो कहते ही है, तो कहने दीजिए, आप सामने से बोल रहे हैं कि बॉस आई लव यू। लोग कहते हैं तो कहने दीजिए, मैं सामने से बोलती हूँ बॉस आई लव यू। मतलब यार इस प्यार को हम क्या नाम दे। भैया कहने वाली लड़की का अब सुनने में ये आ रहा है कि कह दी है सैया। जहाँ तक बात रही पवन भैया की गायकी की, तो उसके सामने से बोल रहे हैं कि बॉस आई लव यू, आई लव यू सायू सब हो गया है। और इसका चक्कर चलता था अनुपमा यादव का, भोजपुरी के एक छोटा सा सिंगर है शिव कुमार बिट्टू। आज से कुछ दिन पहले कुछ रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था। मतलब किसी से छुपा हुआ नहीं है शिव कुमार बिट्टू और अनुपमा यादव का प्रेम कहानी, किसी से भी छुपा हुआ नहीं था। लेकिन अब इन दोनों का हो गया है ब्रेकअप। और जैसे ही ब्रेकअप हुआ, शिव कुमार बिट्टू तिलमिला गया और उसके बाद अनुपमा यादव भी तिलमिला के पवन सिंह के साइड चल गई। और देख ही रहे हैं कि लोग क्या बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, मैं सामने से बोलती हूँ आई लव यू। वैसे ही शिव कुमार बिट्टू भी चला गया अक्षरा सिंह के पास। कहाँ भाग गया था रे? भाग नहीं थे, अटक गए थे। कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह में जितना टकराव चलता है, लाजमी है कि अगर दोनों इधर उधर चल जाएंगे तो चीज पूरा वायरल हो जाएगा। और शिव कुमार बिट्टू ये कहते हुए नजर आ रहा था कि मैं कहीं अटक गया था, भटक गया था। उसके बाद अनुपमा यादव का ये वाला एक पोस्ट आता है, हालांकि ये कुछ ही घंटे बाद डिलीट भी हो जाता है, लेकिन पोस्ट एकदम सेम रिप्लाई उसी का होता है कि अटक नहीं भटक तो मैं गई थी जो तुम्हारे से प्यार कर ली, चलो अब माफ कर दी। ये पोस्ट आपको दिख रहा होगा। और यही हो रहा है हमारे भोजपुरी में, लोग प्यार को एकदम कर दिए हैं शर्मसार, आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ। और ये पहला नहीं है, शिव कुमार बिट्टू के बाद भी कोई एक और शख्स था। और तीसरे नंबर पे आते हैं पवन सिंह, जिनका अभी जोरों शोरों से ये कहानी आप लोग सुन रहे होंगे कि अनुपमा यादव के साथ अब पवन सिंह रहेंगे रिलेशनशिप में। ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वीडियो तैर रहा होगा। मतलब कह लीजिए तो भोजपुरी में छिया लेदर हो गया है प्यार को लेके। एक प्यार जो होता है वो दिल से होता है, लेकिन यहाँ प्यार जो है वो हर एक रोज हर एक लोग से हो जा रहा है भाई। भोजपुरी में, मतलब हर जगह का कहानी हम नहीं बता रहे हैं, भोजपुरी का कलाकार लोग जो हैं, आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, और जब इनका ब्रेकअप हो जाता है तब का कहानी ही कुछ और हो जाता है भाई। सोशल मीडिया पे ऐसा तैरने लगता है इन लोग का वीडियो, एक दूसरे में विवाद ऐसा करने लगते हैं लोग, कहीं एक तरफ से स्टेज पे दूसरे पक्ष, कहीं एक तरफ से स्टेज पे पहला पक्ष। मतलब अपना पक्ष विपक्ष जनता के सामने लोग रखने लगते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अभी तो ये पक्ष रख रहे थे, लेकिन जब प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के चलते रहते हैं ना, तब कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। स्टेज के प्रोग्राम देख के आपको ये नहीं लगेगा कि सही में लोग प्यार करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से उसको ढालते हैं। शुरू में प्यार मोहब्बत का कहानी बतिया लेंगे, फिर उसके बाद उस कहानी को मिट्टी डाल के तोप देंगे कि नहीं नहीं ये बस एक स्टेज शो था और ये बस यहीं तक सीमित था। मतलब हम दोनों में कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। लेकिन मजा तो तब आता है जब इनका असली में ब्रेकअप हो जाता है और स्टेज पे दोनों तरफ के लोग रोने लगते हैं। मतलब कुछ वो बोल रहा है स्टेज पे, कुछ वो बोल रहा है, और विवाद शुरू होने लगता है। मतलब समझ लीजिए सीधा तौर पे कि जो पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने जो एग्जांपल सेट कर दिया है कि अगर प्यार में ब्रेकअप होता है तो उसको स्टेज पे सब कुछ बोल लो, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, जो तुम्हारा प्यार था। और यही एग्जांपल पे आजकल के भोजपुरी सिंगर या कलाकार चलते हैं, स्टेज पे एक दूसरे को भला बुरा बोल के अपना दिल का जितना भी भड़ास है सब निकाल लेते हैं भाई। और यार आजकल तो समझे में नहीं आता है कि कौन प्यार है, कौन व्यापार है। मतलब क्या ही बोले, भाई है वो है, समझ सकते हैं आप। मतलब कौन किसका भाई है, कौन किसका भतार है, समझ में नहीं आता यार। सीधा सीधे हम यही कहना चाहते हैं, ये हमारे भोजपुरी में ही ऐसा होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अनुपमा यादव और पवन सिंह का जो कहानी आजकल चल रहा है क्या वो सही है, आपको आखिर क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।